दोस्तों आप भी जानते हो कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर अक्सर लड़के लड़कियों के बीच मुलाकात दोस्ती हो ही जाती है। लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलती है, रिश्तों में बदलती है, और सच्चा प्यार तो 6 महीने साल भर तक रहता है। उसके बाद मामले काफी पेचीदा हो जाते हैं। फिर लड़की उस लड़के पर रेप वगैरह के केस लगाती है। अक्सर आए दिन कोर्ट में इस तरह के मामले देखने को मिलते रहते हैं, राइट। तो फिर ऐसे ही मामलों को लेकर दोस्तों आपको पता होगा, आए दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से लड़के लड़कियों के केस के मामले को लेकर कुछ नए फैसले सुनाए जाते हैं। और मैं दो तीन और बड़े अपडेट आ रहे हैं, एक लड़का लड़की के बीच रिश्तों को लेकर, उनके बीच बने शारीरिक संबंधों को लेकर, दोस्ती को लेकर, जो कि देश के हर एक बालिग लड़के लड़की को जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप उनके पेरेंट्स माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ध्यान से पूरा देखिएगा। और दोस्तों अभी अपन कुछ नए नियमों की बात करें, लेकिन इससे पहले कुछ पुराने हाईकोर्ट के फैसलों पर हाईलाइट्स पर नजर डालते हैं। देखिये, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया एक रेप केस मामले में। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़के लड़की के बीच सहमति से बने संबंध तो इस मामले में FIR दर्ज नहीं हो सकती, FIR को ही रद्द कर दिया। और इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर 5 साल तक एक लड़का लड़की के बीच सहमति से संबंध बन रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, शारीरिक संबंध बन रहे हैं, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि 5 साल बिना लड़की की सहमति के संबंध बनाना संभव नहीं है, और इस मामले में भी लड़के को बरी कर दिया, जबकि लड़की ने 5 साल के रिलेशनशिप के बाद केस दर्ज करा दिया था लड़के के ऊपर। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया कि लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। और एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक ऑटो ड्राइवर को राहत दी, केस से बरी कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि एक लड़की को प्यार का इजहार किया जा सकता है अगर गलत तरीके से उसके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती जबरदस्ती नहीं की गई है, तो प्यार का इजहार करना कोई छेड़छाड़ नहीं है ऐसा। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और नया फैसला सुनाया था जिसमें भी दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी, ये कहते हुए कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन अगर फिर भी लड़के को बरी क्यों कर दिया और जमानत क्यों दे दी। तो दरअसल देखिए मामला, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले साल 2022 में नवंबर में यह फैसला सुनाया था 15 वर्षीय एक लड़की से। इस तरह के एक मामले में 22 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया लेकिन जमानत दे दी, और कहा कि यह सच है कि लड़की भले ही नाबालिग है लेकिन वह रिश्ते में थी और अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी, तो फिलहाल तो उसको जमानत दे दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही उम्र कम है लेकिन याचिकाकर्ता युवा है और प्रेम में पड़ने वाली उम्र का है, और लड़की भी मर्जी से लड़के के साथ गई थी, दोनों रिश्ते में थे। तो कहने का मतलब, ऐसे मामलों में भी पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता है अगर लड़की सहमति से लड़के के साथ भागती है, बाहर जाकर विवाह कर लेती है वगैरह वगैरह। हालांकि इस तरह के मामलों के एंटी मामले भी कई बार हाईकोर्ट की तरफ से हमें सामने देखने को मिले। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए नाबालिग की सहमति ही वैध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेपिस्ट को जमानत नहीं दी, और आरोपी ने लड़की की बर्थ डेट में भी बदलाव कर दिया था होशियारी दिखाते हुए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का उल्टा फैसला सुनाया कि चाहे लड़की नाबालिग हो और सहमति से संबंध क्यों ना बना रही हो, फिर भी इसे रेप ही माना जाएगा। कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां लड़का नहीं बल्कि लड़की एक लड़के के साथ जबरदस्ती ऐसी वैसी हरकतें करती है। तो इस तरह के मामले में भी मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई उस लड़की को, यानी कानून सबके लिए बराबर है। और देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक और फैसला कि बिना गलत इरादे के लड़की की पीठ पर हाथ फेरना भी छेड़छाड़ नहीं है, यानी कि अगर मनसा गलत नहीं है और अगर आपने लड़की की पीठ पर हाथ घुमाया, उसके सर पर हाथ रखा, तो इसे जोर जबरदस्ती नहीं माना जाएगा ऐसा, अगर आपका इरादा सही है तो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे ही फैसले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। और हाल ही में आपको बताऊंगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र समान करने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट भेजा है, इस पर भी सुनवाई चल रही है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला कि पत्नी के शरीर और आत्मा का मालिक नहीं होता पति। अगर कोई पति भी अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर भी रेप का मुकदमा दर्ज होगा, वो भी बच नहीं सकता है। एक पति पत्नी के बीच मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घिसी पिटी सोच को मिटाना चाहिए और हमें आज के समय में, आज के जमाने में जीना चाहिए, है ना। वह देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया कि लिव इन में रहने वाली लड़की भरण पोषण की हकदार नहीं हो सकती है। यानी कि अगर कोई लड़की अपने पिता की मर्जी के खिलाफ भाग करके शादी कर लेती है और किसी लड़के के साथ जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो ऐसी बेटी किसी भी तरीके से पिता से भरण पोषण भत्ते की मांग नहीं कर सकती है, उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो पिता की मर्जी के खिलाफ भाग कर शादी कर रही है, तो फिर उसकी जिंदगी के लिए वो खुद जिम्मेदार है। लड़की ने अपने पिता के ऊपर एक ऐसा ही मामला दर्ज कराया था, तो हाईकोर्ट ने पिता को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि इससे पहले फैमिली कोर्ट ने उस लड़की को जो अलग रह रही बेटी है उसको 5,000 रूपए हर महीने देने का आदेश दिया था। तो पिता हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने पिता को इससे बरी कर दिया कि लड़की को किसी भी तरह का भरण पोषण भत्ता नहीं दिया जाएगा, है ना। अच्छा, उम्र के मामले को लेकर देखिए, अभी कल ही ये फैसला आया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया पॉक्सो एक्ट का ये मामला है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, जिसमें देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया। क्यों? देखिए, समझिए पूरा मसला क्या है। हाईकोर्ट ने कहा कि अक्ल दाढ़ उम्र का पुख्ता सबूत नहीं होती है, इसके ना होने से लड़की नाबालिग साबित नहीं होती है, और रेप के आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि जिन
लड़की के परिवार वालों ने लड़के पर मुकदमा दर्ज कराया था ना, उन्होंने लड़की की उम्र का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि हमारी बच्ची के तो अभी अकलदाड़ भी नहीं उगी है, वो तो नाबालिग है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अकलदाड़ का नहीं उगना कोई उम्र का पुख्ता सबूत नहीं हो सकता है। देखिए दाढ़ किस किस उम्र में उगती है इसका भी नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे दूसरी दाढ़ होती है ना वो 12 से 14 साल की उम्र में निकल जाती है, जबकि तीसरी दाढ़ जिसे अकलदाड़ कहते हैं वो 17 से 25 साल की उम्र के बीच में निकलती है। यानी कि अकलदाड़ का निकलना ज्यादा से ज्यादा ये संकेत दे सकता है कि शख्स की उम्र 17 साल या इससे ज्यादा है। लेकिन अकलदाड़ नहीं होगी ये चीज साबित नहीं करती कि व्यक्ति की उम्र 18 साल से भी कम उम्र है, समझ रहे हो, क्योंकि कई बार 20 साल की उम्र में भी अकलदाड़ नहीं उगती है। तो यही बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए व्यक्ति को इस मामले से भी बरी कर दिया। और देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया कि लड़की की उम्र 18 साल से कम हो तो भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत की गई शादी को अमान्य करार नहीं किया जा सकता है। अगर शादी एक बार हिंदू विवाह अधिनियम के साथ हो गई, कई बार पुराने जमाने में आपको पता होगा बाल विवाह ही होते थे, अक्सर कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी हुई उस शादी को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता भले ही लड़की की उम्र 18 साल से उस समय कम रही हो, है ना। तो ये कुछ लड़का लड़की को लेकर अहम बड़े फैसले और नए नियम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके मुझे नीचे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद।